हाय फ्रेंड्स, मैं हूं राजीव। आज हम बात करेंगे कैनन के कुछ अपडेट्स के बारे में, जिससे आप अपने कैमरे में लाइव स्ट्रीमिंग कर पाएंगे, अपने कैमरे को वेबकैम की तरह यूज कर पाएंगे। तो देखते रहिए हमारा पूरा वीडियो एंड तक। दोस्तों, कैनन ने अभी कुछ एक अपडेट्स निकाले हैं, जिसकी वजह से आप कैनन के हर कैमरा को वेबकैम की तरह यूज कर सकते हो, अपने कैमरे से लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हो। बात करते हैं कौन कौन से इसमें मॉडल ऐड हुए हैं। जैसे अपन स्टार्टिंग से लेते हैं, 1500D है। हाँ दोस्तों, 1500D से M200 से 200D Mark II है, EOS M200 है, M50 है, M6 Mark II है, EOS R है, RP है, 5D सीरीज के 5D Mark IV है, 5D S, SR मॉडल्स हैं, 1DX Mark II है, 1DX Mark III है, 6D Mark II है। आप इन सभी कैमरा से लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और इस वीडियो में आपको करके भी बताऊंगा। कैमरे को ऑन करना है, वीडियो मोड पे लगाने के बाद में आपको USB से लैपटॉप से कनेक्ट करना है या PC से कनेक्ट करना है, और जो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल देता हूँ वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेना है। इससे आप लाइव स्ट्रीमिंग कर पाएंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हम, और सबसे पहले हम गूगल क्रोम को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद में EOS वेब यूटिलिटी यहाँ पे आपको लिखना रहेगा और इस पर फर्स्ट पे क्लिक करना है। फिर ऊपर फर्स्ट में जो ऑप्शन आ रहा है कैनन USA की जो साइट है, उस पर EOS वेब यूटिलिटी, इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में ये कैनन USA की साइट ओपन हो जाएगी और यहाँ से आप अपने सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं। अब इसके अंदर ये नीचे करते हैं अपन। इसके बाद में ऑप्शन दो आते हैं, एक तो मैक के लिए जो एप्पल का आता है और विंडो वाले उसके लिए। अब इसमें नीचे जाते हैं तो विंडो के लिए और मैक के लिए दोनों के लिए ऑप्शन दे रखे हैं, आप किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हो। इसके बाद में नीचे चलते हैं। तो दोस्तों, ये हैं अपने कैनन के जितने भी मॉडल जिनमें आप वेबकैम की तरह यूज कर सकते हो USB के थ्रू। तो ये बहुत सारे मॉडल्स हैं, रिवेल सीरीज के हैं, 5D सीरीज के हैं, M सीरीज के हैं, मिररलेस है, R है, RP है, ये सारे मॉडल्स इन्हीं में आप यूज कर सकते हो दोस्तों। अब जो भी आपके पास कैमरा है, मैं M50 कर लेता हूँ, और इसमें ये डाउनलोड है। ऑपरेटिंग सिस्टम आपको ध्यान रखना पड़ेगा, विंडो 10 में ही ये ओपन होगा, अदरवाइज किसी में नहीं होगा। ये विंडो 10 64 bytes वाले में ही ओपन होगा और किसी में भी आप नहीं चला पाएंगे। US वेब यूटिलिटी अगर मैं सेकेंड करके देखता हूँ तो वो ऑप्शन गायब हो गया। फिर मैं नीचे जाकर और देखता हूँ, विंडो 7 में भी नहीं चलेगा, ये ओनली विंडो 10 64 bytes में ही ओपन होगा। और इसमें आने के बाद में आपको सेलेक्ट पे क्लिक कर देना है और आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा, और इसके बाद में आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड कर लिया है मैंने, और इसके बाद में इसको बंद करके, डाउनलोड हो चुका है और इसको ओपन करना है, जिप फाइल बनेगी, और इसको ओपन करने के बाद में डबल क्लिक करके आप इसको इंस्टॉल कर लीजिए, US वेबकैम यूटिलिटी। नेक्स्ट किया मैंने, फिर इसको एग्री करना है, फिर नेक्स्ट करके और ये इंस्टॉल हो चुका है आपका। अब इसको इंस्टॉल होने के बाद में क्लोज कर देना है, और इसके अलावा कुछ नहीं करना है आपको, और इसको क्लोज कर देना है। फिर ये ध्यान रखना है दोस्तों कि कंप्यूटर को रीस्टार्ट ज़रूर करना है आपको, तो रीस्टार्ट पे जाके एंड रीस्टार्ट कर लीजिए। दोस्तों, कंप्यूटर को मैंने रीस्टार्ट कर लिया है। इसके बाद में कैमरे में जो USB स्लॉट है, ये देखिए, इसमें USB स्लॉट है जो नॉर्मल केबल से कनेक्ट हो जाएगा, और ये मेरे पास में PC या लैपटॉप से कनेक्ट करने वाली USB केबल है जो कैमरे को कनेक्ट करेंगे और अपन वेबकैम के थ्रू यूज करेंगे। तो ये देखिए, मैंने इसमें USB केबल कनेक्ट कर ली है कैमरे में, इजीली लग जाएगी, और इस वायर को अपन लैपटॉप से कनेक्ट करेंगे। आप PC से भी कर सकते हैं, लैपटॉप से भी कर सकते हैं, जिससे आपको वेबकैम यूज करना है। इसके बाद ये देखिए, कैमरा अब ऑन करना है। कैमरा ऑन करने के बाद में आपको इसको वीडियो मोड पे रखना है,
क्योंकि अगर वेबकैम यूज कर रहे हैं तो वीडियो की जरूरत पड़ेगी, तो इसको वीडियो मोड पर रख दिया मैंने। इसके बाद जिस सोशल नेटवर्किंग साइट पे जैसे फेसबुक यूट्यूब पर आपको लाइव देखना है तो लाइव करना है, स्ट्रीमिंग करनी है तो उसके लिए ऑन कर लीजिए। और ये देखिए मैंने ऑन कर लिया है यूट्यूब और फेसबुक दोनों है वैसे तो, और डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगा, इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। और ये देखिए दोस्तों मैं लाइव कर रहा हूँ, इससे लाइव स्ट्रीमिंग है, ये लाइव रिकॉर्डिंग है, आप इससे कर सकते हैं। दोस्तों सबसे बड़ी बेनिफिट की बात ये है कि आप इसको 4 घंटे 5 तक यूज कर सकते हैं, क्योंकि कैमरे का सिर्फ लाइव यूज दिखाता है, कैमरा रिकॉर्ड नहीं करता है। अदरवाइज डीएसएलआर में होता है कि 30 मिनट बाद आप रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते, एक टाइम के लिए स्टॉप हो जाती है, लेकिन आप इसमें कंटिन्यू 3-4 घंटे तक इजिली कर पाओगे क्योंकि कैमरा स्टैंड बाई पे चलता है। ये देखिए मैंने लाइव इसको स्टार्ट कर दिया है और ये लाइव हो चुका है और इसको यूज कर सकते हैं।